जनपद बुलंदशहर के नरसल घाट चौकी क्षेत्र के मोहल्ला रुकनसराय में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के साथ पहुंचे एडीएम प्रशासन रविंद्र कुमार ने घर घर जाकर सभी लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किए। इसके बाद जानकारी देते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि कल दो जमातियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आज क्षेत्र में सभी निवासियों को एडीएम प्रशासन रविंद्र कुमार ने सभी लोगों को जितने लोग हैं जिस घर में रहते हैं उन्हें संख्या के आधार पर लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किया गया है। बुलंदशहर से प्रदीप तोमर की रिपोर्ट। सर आज मोहल्ला रुकनसराय में मास्क और सैनिटाइज बांटा गया है, सर कितने लोगों को मास्क वितरित किए गए हैं? देखिए मैं बगल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं और जिला प्रशासन के कई अधिकारी हैं, सफाई कर्मी हैं नगर पालिका से, हेल्थ विभाग की 10 टीम है, सब लोग यहां पर, जो नगर पालिका की टीम है वो पूरे एरिया का सफाई कर रही है, हेल्थ विभाग की 10 टीम थर्मल स्कैनर से लोगों का स्वास्थ्य जाँच कर रही है, एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में जो टीम है वो सब लोगों को मास्क दे रही है। चूँकि यहाँ से एक घर में कुछ जमाती रह रहे थे, कल पॉजिटिव आए हैं, दो लोग पॉजिटिव आए हैं, तो इसलिए उस घर के आसपास के समस्त घरों में जितने मेंबर हैं उतने मास्क दिए जा रहे हैं और सफाई चल रही है, सैनिटाइजेशन चल रहा है, ये डेली चलेगा, डेली सैनिटाइजेशन होगा, डेली सफाई होगी, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि अन्य लोगों में पड़े। कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, लोगों से भी अभी हमने अपील की कि कोई भी लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले। इसके साथ ही साथ जो लोग रुके हुए थे उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रहा है कि किनके संसर्ग में आए, किनसे मिले, उन लोग उनको खाना पहुंचाने गए, उन समस्त लोगों को हम क्वारंटाइन में रख के आगे